फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत की जुबानी तकरार से मुंबई में हाहाकार मचा है। कंगना के बयानों से तिलमिलाई शिवसेना ने सारा गुस्सा अभिनेत्री के दफ्तर पर निकाला। कंगना को पहले अवैध निर्माण का नोटिस थमाया गया, फिर आनंद फानन में कंगना के दफ्तर को बुलडोजर से ढा दिया गया। लेकिन ये घमासान यहीं थमा नहीं, कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए बॉलीवुड क्वीन से पंगा, क्या शिवसेना को भारी पड़ने वाला है। जेसीबी मशीन, क्रेन और बीएमसी की थी। मुंबई में ये बॉलीवुड की क्वीन कंगना के ऑफिस पर प्रशासन का बुलडोजर था। बांद्रा के पाली हिल में लगभग 50 करोड़ की कीमत वाला आलिशान ऑफिस 40 मिनट में कुछ इस तरह बन गया। कंगना के प्रोफेशनल दुनिया की इमारत से एक एक ईंट कम होती जा रही थी, और उधर कंगना के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑफिस को बचाने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि बीएमसी से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। उधर कंगना ने अपने ऑफिस गिराए जाने की घटना को अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ दिया और जय श्री राम लिखते हुए कहा कि याद रख लो बाबर, यहां फिर बनेगा मंदिर। लेकिन 9 सितंबर को मुंबई में हंगामे की तो ये शुरुआत भर थी। पॉलिटिकल ड्रामे में हीरोइन की एंट्री अभी बाकी थी। हिमाचल से मुंबई कूच की कसम खाकर निकली मणिकर्णिका दोपहर 3:15 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सिर्फ 3 तरह के लोग थे, पुलिस, कंगना के समर्थक और कंगना के विरोधी। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कंगना को वीआईपी गेट की बजाय दूसरे गेट से निकाला गया। भारी सुरक्षा के बीच कंगना खार वाले अपने घर पहुंची। हर मुद्दे पर बोलने वाली कंगना ने इस बार भी खुलकर महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज किया। कंगना के निशाने पर संजय राउत नहीं बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे थे। कंगना ने कहा, आज उनका घर टूटा है, कल उद्धव सरकार का घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग से शुरू हुई कंगना की मुहिम पर पहले बॉलीवुड बटा और फिर ये पूरा मामला सियासी हो गया। कंगना रनौत अकेले उद्धव सरकार को चैलेंज कर रही हैं, वो भी उसी मुंबई में जहां उन्हें घुसने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। कंगना ने अपने स्वाभिमान को अयोध्या और कश्मीर से जोड़कर एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।